यमुनानगर में आज कांग्रेस द्वारा महिला महापंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महिला महापंचायत के माध्यम से नया जो झंडा मिला है वो लोगों को समर्पित किया। वहीं उन्होंने बताया कि आज बीजेपी की असलियत जनता के सामने है। बीजेपी केवल झूठ की पार्टी है, आज हर वर्ग दुखी है। कांग्रेस की महापंचायत यहाँ पर की गई है और इसके माध्यम से महिला कांग्रेस को जो एक नया झंडा मिला है, राहुल गांधी जी ने 15 सितंबर को दिया, वो यहाँ पर सबके साथ साझा किया गया और कांग्रेस पार्टी का, महिला कांग्रेस का स्लोगन, उनका निशान सबको समर्पित किया गया। एक बुकलेट भी महिला कांग्रेस ने निकाली है इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के असलियत को लोगों के सामने रखने के लिए, वो भी यहाँ पर लोगों के सामने रखी गई है, प्रेस के सामने रखी गई है। आज इतनी संख्या में यहाँ महिलाएं आई हैं, हमें खुशी है कि महिला कांग्रेस हमारी जिला यमुनानगर में इतनी एक्टिव है और महिलाओं में जोश है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रोष है वो यहाँ पर नजर आता है। एलानाबाद उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। कांग्रेस की भूमिका को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और पूरे जोर से लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। जल्द ही हम अपने प्रत्याशी का फैसला करेंगे। वहीं पंजाब में हुए फेरबदल पर शैलजा ने कहा कि कांग्रेस 36 बिरादरी के साथ है। कांग्रेस पंजाब में फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी किसानों में केवल नफरत फैलाती है, भाईचारे को तोड़ने की राजनीति करती है, समुदायों को लड़वाती है और यूपी में बीजेपी जाएगी और कांग्रेस का प्रदर्शन और बेहतर होगा और चुनाव जीतेगी। ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी शीघ्र ही। हम अपने कैंडिडेट का फैसला करेंगे, हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद शीघ्र हमारे कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। बहुत बढ़िया हालात हैं कांग्रेस के पंजाब में। हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी। सभी लोग, सारे वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोग जो झूठे स्लोगन ही देते थे और आगे सपने दिखाते थे कि दलित को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, या किसी भी कमज़ोर वर्ग को आप समझ लीजिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो कहने में क्या हर्ज है। लेकिन कांग्रेस ने करके दिखाया कि कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और किसी को भी उसकी काबिलियत पर भरोसा करके इसको मौका देती है नेतृत्व का। यही आपने पंजाब में देखा। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ फिर से सत्ता में आएगी। PCC सरकार दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम सत्ता में आएंगे। रही बात यूपी की, यूपी में भी आपने देखा है कि किसानों में, लोगों में बहुत रोष है। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाती है और केवल लोगों को लोगों से, समुदायों को समुदायों से भिड़ाने की बात करती है, अलग करने की बात करती है। लेकिन लोग आज के दिन चाहते हैं कि अमन चैन शांति हो, भाईचारा हो, विकास हो। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर रिपीट नहीं होगी और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।